हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, चलो एक और नेम रिएक्शन की हम लोग ट्रिक के साथ उसकी जो भी चीजें हैं उसको समझते हैं आज एक नए दिन एक नए नेम रिएक्शन के साथ में। तो देखो क्या है आज का हमारा नेम रिएक्शन का टॉपिक। हम लोग देखने वाले हैं क्लाइजन स्मिट कंडेंसेशन, या फिर क्लाइजन स्मिट रिएक्शन भी बोलते हो, क्लाइजन रिएक्शन भी बोलते हो, कई नाम से इसको आप जानते हो। होता क्या है अल्टीमेटली, बस आपको वो चीजें पता होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए, बस आपको इससे मैटर करता है चीजें। इस रिएक्शन में देखो क्या होता है, जब आप किसी बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हो किसके साथ में, एक ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स की आप बात कर रहे हो तो यहां आपको अल्फा हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि यहां पे कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेने हैं, कुछ ऐसी होंगी जहां आपको अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं। तो इन चीजों को थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट करके रखो, डिस्टिंग्विश करके रखो कहां आपको क्या करना है। चलो आगे बढ़ता हूं। इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड को किसी ऐसे एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट कराते हो, और यहां आपको रिएजेंट लेना है कोई एक बेसिक। जैसे यहां क्या लिया गया है, यहां आप लिए हुए हो डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट फॉर्म में, तो इसको आपको लेना है। इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो एक्चुअली में क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट आपको, कुछ नहीं। यहां से दो हाइड्रोजन हट जाएंगे, यहां से ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, बाकी जितना चीजें पता उसको बच रही है यहां, सब कुछ क्या करो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऐड कर दो, बस इतना ही करना है यहां पे। और आपको देखो यहां पे मैंने क्योंकि एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई थी इसलिए मैंने इनको जोड़ा, तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम सिनमल्डिहाइड बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग CHO ग्रुप, और एक तरफ क्या हो आपकी बेंजल्डिहाइड, मतलब सॉरी बेंजीन रिंग हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनमल्डिहाइड बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको कंटेनिंग कोई भी आपको रिंग मिलेगी जो क्या होगी, कुछ ऐसे फॉर्म में आएगी, क्योंकि आपने बेंजल्डिहाइड लिया मतलब कोई भी एक रिंग तो रहनी है, बेंजीन रिंग तो आएगी ही प्रेजेंट। चलो देख लो जल्दी से क्या है इस रिएक्शन में। दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन, बिल्कुल कंडेंस हो रही चीजें, दो चीजें आपस में क्या हो रही है, फ्यूज होकर के कंडेंस हो रही है, और वाटर यहां पर निकल रहा है। हमको साफ साफ पता चल रहा है कि वाटर यहां से लूज हो रहा है, ऑल्सो नोन एज क्लाइजन रिएक्शन इन बिटवीन एन एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, मीन्स सीधे कह दो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, आपको बड़े ध्यान से रिएक्टेंट्स लेने हैं कि क्या लिया गया है, उन पर ध्यान दीजिएगा जरा, गलतियां मत कीजिएगा। विद बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, एल्कली आप मैंने बोला था बेस बोल सकते हो, एल्कली को आप बेस बोलते हो, टू फॉर्म एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहां पे क्या हुआ है, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिला है। अल्फा बीटा कैसे, देखो इस कार्बन पे मेरा क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ओ CHO ग्रुप जो है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरा मेन प्राइमरी कार्बन हो गया। इससे जो भी अटैच्ड कार्बन है वो मेरे लिए अल्फा कार्बन है, उसका बगल वाला कार्बन उससे एडजेसेंट जो है वो बीटा कार्बन है। तो बताओ जरा अनसैचुरेशन कहां पर आया हुआ है, अल्फा बीटा पर ही तो आया हुआ है। जब भी आप ये लोगे सेम ऐसे ही प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये हो गई मेरी क्या रिएक्शन, ये मेरी कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन है। अभी देखते हैं जरा इसकी ट्रिक कैसे याद रखना है। तो देखो उसके लिए मैंने यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, क्या लिखा गया देखो, क्लास में बंकू और हल्कू ने सोडा पीकर सिनेमा दिखाया, क्योंकि यहां सिनमल्डिहाइड बन रहा है इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, बस आप ध्यान क्या देना है, मैंने बोला इधर से H2 इधर से O निकाला, H2O निकल गया, जो बचा उसको जोड़ के रख दिया, बस इतनी सी बातें हैं। डायरेक्ट आपको रिएक्शन अगर आती है कभी भी पूछने के लिए कि पूछ ले क्लाइजन इस विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इस क्लाइजन स्मिट रिएक्शन, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें ली गई थी, क्या क्या चीजें लिया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड और एक बेंजल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट NaOH के साथ में आपको क्या जो भी है कंडेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन मिलने वाली है, स्टोर रिलीज करा लीजिएगा, बस इतनी सी चीजें। तो यहां पे देखो क्या है, क्लास में बंकू और हल्कू ने सोडा पीकर सिनेमा दिखाया, क्या बातें हैं, चलो डीकोड करो जरा। क्लास से तो सीधे हमारा नेम रिएक्शन ही, नाम रिएक्शन का नाम है क्या, क्लाइजन स्मिट रिएक्शन। बंकू से हो गया देखो बेंजल्डिहाइड, हल्कू से हो गया अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोजन अल्फा कंटेनिंग का कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि आपको कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। सोडा से क्या है, देखो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ था इसलिए मैंने सोडा लिखा, और सिनेमा क्योंकि मेरा प्रोडक्ट यहां सिनमल्डिहाइड बन रहा था इसलिए मैंने सिनेमा लिखा है। आप इसको थोड़ा ऐसे याद रखिएगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आएगा जो भी आप ग्रुप लिए रहोगे। तो ये हमारा पूरी रिएक्शन है, ये हमारी ट्रिक है, और ये उसका डीकोडेड वर्जन है, फिर से जल्दी से देख लो। बेंजल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद
अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट NaOH, क्या मिलता है आपको वहां पे प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कार्बोनिल का मिलने वाला है। तो ये है इसकी ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन विद इट्स ट्रिक, और आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, एक दो बार प्रैक्टिस करो, आसान है बहुत ही, आसान से रिएक्शन याद हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नई नेम रिएक्शन में, एक नई नेम रिएक्शन के साथ में, उसकी ट्रिक के साथ में, उसको हम लोग नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में।